नमस्कार एजुकेशन इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करने वाले हैं अनलॉक 2 के बारे में। अनलॉक 2 जो कि लॉकडाउन 5 के बाद लगने वाला है। 30 जून से लॉकडाउन 5 खत्म होने वाला है और उसके बाद अनलॉक 2 लगने वाला है, लेकिन लॉकडाउन 6 भी लग सकता है। कई राज्यों में लगाया भी जा चुका है। कौन कौन से राज्य में लॉकडाउन 6 लगाया जा चुका है यह भी बताएंगे, और बताएंगे अनलॉक 2 में कौन कौन सी छूटें मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। और आपका अनलॉक 2 को लेकर क्या ख्याल है ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको अनलॉक 2 से लेकर लॉकडाउन 6 और ताजा आंकड़े भी बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए अगर महामारी के आंकड़ों की, तो आपको बता दें अब तक देश के अंदर 528,859 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 309,712 लोग सही हो चुके हैं, तो वहीं 16,095 लोग मृत्यु के द्वार उतारे जा चुके हैं इस बीमारी के कारण। अब तक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक 152,765 मामले सामने आ चुके हैं। रिकवर अब तक 79,815 लोग हो चुके हैं। तो इस प्रकार से देश के मामले देखने को मिल चुके हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से ही अनलॉक 2 की खबर आ रही है। अनलॉक 2 में महाराष्ट्र सरकार क्या क्या छूटें दे सकती है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि महाराष्ट्र में अब तक सारी कंपनियां, सारी फैक्ट्रियां और सारी की सारी ऑफिसेज खुल चुकी है, और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है और ऑड इवन फॉर्मूला तैयार कर सकती है। आपको बता दें सरकार के अंदर मंथन चल रहा है कि कौन कौन से चीजें अनलॉक 2 के दौरान शुरू करनी है, कौन सी चीजें बंद ही रखनी है। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबरें आ रही है वही आपको बताने जा रहे हैं। तो ऑड इवन अगर फॉर्मूला जारी किया जाता है तो एक दिन अलग वाहन चलेगी, दूसरे दिन अलग वाहन चलेंगे। वह इसके अलावा रेड जोन के बाहर स्कूल भी खोले जा सकते हैं। आपको बता दें 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा सकते हैं, तो वहीं कॉलेज भी खोले जा सकते हैं। इसके साथ जुलाई के महीने से अंतर जिला एसटी शुरू करने पर विचार चल रहा है। वही सख्त नियमों के साथ मुंबई पुणे के लिए भी एसटी शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑड इवन फॉर्मूला के तहत ऑटो रिक्शा और टैक्सी शुरू करने पर भी विचार चल रहा है। वही 9वीं 10वीं और 12वीं के स्कूल कॉलेज, इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज भी खोले जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें अगस्त महीने से 6ठी और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल खोले जा सकते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति के अनुमोदन पर 1ली और 2री कक्षा की पढ़ाई शुरू करने पर विचार हो सकता है। इसके साथ 10वीं के परिणाम आने के बाद 11वीं की पढ़ाई शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है। वहीं कुछ और कई चीजों में छूट मिल सकती है। आपको बता दें ये सारी छूटें जो महाराष्ट्र में मिल सकती है अनलॉक 2 के दौरान। वही मॉल के अंदर दुकानों को वैकल्पिक दिनों में खोलने पर विचार चल रहा है। अब बात करते हैं लॉकडाउन की। तो आपको बता दें अब तक लॉकडाउन 2 राज्यों में बढ़ चुका है। इन 2 राज्यों में पश्चिम बंगाल और झारखंड शामिल है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। कई सारे नियम जो लागू किए जाएंगे, जैसे कि झारखंड में अभी तक धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे और पश्चिम बंगाल में मेट्रो सेवाएं 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे कई सारे नियम जो हमने पहले वीडियो बना के रखा है वो जाकर देख सकते हैं, उसमें सारे के सारे नियम आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ। इंतजार है तो बस और बस केंद्र सरकार के आदेश का। जैसे ही केंद्र सरकार का आदेश आता है सबसे पहले आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। फिर मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।